करते हैं डिनर और आज हमारे घर बनेगा कुछ कुछ अलग बनेगा। टू माई अनदर व्लॉग। सो गाइस आज मतलब वो कर दिया मैंने अपलोड, अभी करना है मतलब एक्सप्लोर जो किया था हमने रिलायंस का जो था मेगा मार्ट। सो अभी मैं कर रहा हूँ अपना लंच, 2:30 बजी है, हाँ पूरी 2:30 बजी है और आज एक तो काम है, आज वहाँ चलना है 2:30 बजी और मम्मा ने बनाया जालू की परौंठी। भाई भाई ये देखो बन गई ना, ये देखो मजा आता है यार। तो चलो मैं अब ये कर लेता हूँ अपना लंच, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। One eternity later बना के मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था और अब उस टाइम शूट नहीं कर पाया, मैंने कहा था आज एक दो काम है उस टाइम के लिए शूट नहीं कर पाया मैं, फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। सो अब है डिनर टाइम, आज 9 बज गई, तो लेट हो गए थोड़ा सा। और क्या कहते हैं यहाँ पे कैथल में भी वो लॉकडाउन लग गया, मतलब 9 से 6 का टाइमिंग हो गया, 6 बजे के बाद सब बंद, अगर कोई नहीं करेगा तो पुलिस वाले आते हैं। मैंने देखा था आज एक दो जगह मतलब पुलिस वाले मतलब बंद करा रहे थे। और अब बन रही है अपनी डिनर, हाँ जोर से बोलो। सब खा लेते हैं, कोई डिमांड नहीं। इसने खाया आलू की परौंठी रात को, आलू सुबह खा लेता। अब डिनर में बना है दाल, पता नहीं कौन सी है, और उसके लिए बन रही है वो आलू की परौंठी और साथ में ये रोटी अपनी प्लेन रोटी। डिनर और आज हमारे घर बनेगा कुछ कुछ अलग बनेगा। देखो अपना काम ना करके मुझे कह रहे हैं काम करने को, मम्मा ने कहा पापा ने पापा को ये मैं मेरे को बोलने रुक जो इसको हिला हिला के ना वो बन जाता है, मतलब पतला पतला बन जाता है, फिर इसे घी बनता है, ओ मक्खन बनता है, हाँ होममेड वो बनता है, घी बनता है, मक्खन मक्खन यार मक्खन बनता है, मक्खन से फिर घी बनता है, उसको गर्म करके। अब पापा को दिया है काम, पापा मुझे कह रहे हैं अपना काम स्वयं करो, मम्मा नहीं खाती होती बिल्कुल भी, मैं हर बार ही करता हूँ भाई, मम्मा से पूछ लो ये अभी एक नाटक आता था बीच में आता होगा कोई, उसकी बात सुन यहाँ पे, तेरा यार हूँ मैं आता होगा कोई, कपिल से चलो 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 करो 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 कपिल से पहले आता हूँ, करो करो करो। सो गाइस अब मिलते हैं जब ये बन जाएगा, रेडी हो जाएगा जब ये। 2000 years later अभी वो हो गया था बिल्कुल रेडी, ये देखो ये रहा, और अभी बन रही है, गेस करो सब लोग क्या बन रही होगी। चलो बता देता हूँ, हमारे घर में बन रही है आज कस्टर्ड, ये रहा कस्टर्ड पाउडर, ये फोकस, ये रहा, और अब मेकिंग देख लो किसी को देखनी हो तो ठीक है, मैं वैसे अपलोड इधर ही कर देता हूँ, मतलब क्लिप डाल दूँगा क्या कहते हैं टाइम लैप्स में। तो चलो करते हैं, ले लिया कितना ग्लास है, 3:30 तीनों ने पीनी है, क्योंकि पापा मम्मा और भाई ने पीनी है, मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि बिकॉज मीठा बहुत होता है इसमें यार, तभी नहीं पीता होता मैं। सो अभी दूध गर्म हो रहा है और ये रहा कस्टर्ड पाउडर,
एक गाइस टू स्पून कस्टर्ड पाउडर डालेगा, इसके अंदर हल्का सा दूध डाला, ठीक है दूध है ये दूध अच्छा। सो गाइस ये बैटर हो चुका है हल्का सा रेडी, मतलब पूरा रेडी हो चुका है ये हल्के सी कटोरी में। सो अब ये दूध जब तक उबालना नहीं आएगा तब तक इसको इसके अंदर डालेंगे नहीं। सो लेट्स वेट कब उबाल आएगा और फुल पे आ गया, मिलते हैं थोड़ी देर में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बॉयल हो चुका और ये भी बॉयल हो रहा है और अब इसको इसके अंदर डालना है, हल्का सा डालना अभी घुमाओ इसको थोड़ा सा, हल्का हल्का कलर चेंज हुआ। अब पूरा आ गया हल्का हल्का कलर चेंज हुआ, अभी तो उबाल आएगा तो बहुत होगा। अभी मम्मा कह रही है आधा घंटा लगेगा, मैं देखो कलर चेंज होगा वाइट साहब येलो येलो हो रहा है। अब क्या होगा बस वाला करेंगे बस इसके, अब फिर से बोल कितने बोल ये जब तक गाढ़ा नहीं हो, जब तक ये पूरा गाढ़ा नहीं हो तो तब तक इसको बॉईल करते रहना है। सो मिलते हैं फिर से थोड़ी देर में जब तक ये बॉईल नहीं होता। गाइस अभी ये अपनी कस्टर्ड बन की रेडी हो गई है, हमने इसको ग्लास में सर्व कर लिया, ये देखो इधर, और पापा ये बादाम काट रहे हैं तो ताकि टेस्ट अच्छा आएगा। हम ना गर्मियों में बनाते थे उसके अंदर फ्रूट्स भी डालते थे, ठंडी ठंडी फ्रिज में रख देते थे पहले एक दो घंटा, फिर उसके अंदर फ्रूट डाल लेते थे, बहुत सही बनती थी, बहुत मज़ा आता था। अभी ठंडा तो ऐसे ये देखो क्या सही लग रही यार। सो चलो मैं थोड़ी सी लूँगा फिर मैं आप ही अपना नॉर्मल दूध ही पीऊँगा, मुझे ये पसंद सब पसंद, ठीक है। सो अभी मैं अपना दूध पी लेता हूँ, थोड़ी देर में फिर सो जाऊँगा, अभी 11 बज गई। सो गाइस अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, सो व्यूज़ अभी भी नहीं आ रहे यार, थोड़ा सा देखा करो, थोड़े व्यूज़ बढ़ेंगे तभी अपना चैनल ग्रो करेगा, फिर मैं अच्छा अच्छा कंटेंट, मतलब कंटेंट तो देखो जितना हो सके तो उतना कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और ना चैलेंज पे वो आ रहे व्यूज़ आ रहे, मैं क्या करूँ फिर बताओ, फिर चैलेंज करने का मन नहीं करेगा। फिर अगर आप व्यूज़ मतलब देखोगे तो और डालूँगा, नहीं तो फिर देखो यार डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो जी जिसने व्लॉग देख लिया हो वो लाइक शेयर कमेंट कर देना और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।